और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ हम लोगों को कुछ ऐसे क्षण मिले उनके साथ रहने के रह के। पंकज उदास के अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे जाकिर हुसैन। आपको बता दें कि मशहूर तबला वादक ने अंतिम दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने पंकज उदास से जुड़ी अपनी कुछ यादें हमारे साथ साझा की। आइए आपको सुनाते हैं वो पूरी वीडियो। आप लोग एक काम करिए, आप लोग जैसे मैं जोर से बात। जी पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ, नीचे रखो सब लोग, पीछे आ जाओ, आराम से, टेंशन नहीं, धीरे धीरे मुंह पे आ रहा है। अरे मुंह नीचे करो। आप सब लोग तो जानते हैं हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, और पंकज भैया हमारे हिंदुस्तान के एक हीरे तो हैं ही, कलाकार ऊंच कोटि के रहे हैं, लेकिन इंसान उससे भी बड़े, और हम सबको उन्होंने जो प्यार दिया है, जो मोहब्बत दी है, और आप सबको और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जो खुशियां उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से पहुंचाई हैं, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। और हम लोग उनकी फैमिली को इतना प्यार करते हैं, पंकज भाई को इतना प्यार करते हैं, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं हमारे तौफीक भाई, योगेश जी, दास भाई, राशिद भाई के हम लोगों को कुछ ऐसे क्षण मिले उनके साथ रहने रह के, संगीत का आनंद लेने का और उनकी पर्सनैलिटी का आनंद लेने का, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि वो उनकी फैमिली को, खानदान को ऐसी शक्ति दे कि वो इतना बड़ा जो गम उनके ऊपर वो उसको बर्दाश्त कर सके, और हम उनकी सेवा में उपस्थित हैं अगर हमारी ज़रूरत होगी तो। और ऊपर वाले से यही दुआ है कि उनका संगीत हमेशा हमारे सर पर और हिंदुस्तान की रगों में उजागर हमेशा रहे। शुक्रिया सर, थैंक यू। आपको बताते चलें कि पंकज उदास के घर पर अंतिम दर्शन के लिए सेलेब्स का तांता लगा हुआ है। इस दौरान कई नामचीन हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं।